नमस्ते गाजियाबाद, अभी हम दिल्ली एनसीआर के सबसे बड़े फूड मॉल के बाहर खड़े हैं। इस फूड मॉल में आपके लिए एक ही जगह पर काफ़ी सारे आउटलेट्स हैं, काफ़ी सारे टेस्ट हैं और अलग अलग वैरायटियां हैं जो आप बाहर जाके ढूंढते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप बच्चों के साथ आना चाहते हैं तो उनके लिए भी प्लेइंग जोन, एडवेंचर जोन और काफ़ी सारे प्लेइंग एरिया बनाए गए हैं। वहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ और बर्गर खाया था, तो दूसरी बार मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो मेरा पहले वाला भी एक्सपीरियंस सही था, तो मैंने आज वो फिर सेम मेन्यू वही रिपीट किया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो गाज़ियाबाद में इस तरीके का एक एक्सपोजर, एक इस तरीके का फूड मॉल खुला, इस पर क्या बोलेंगे? देखिए, गाज़ियाबाद पहले से बहुत ट्रांसफॉर्म हो चुका है। चाहे आप किसी मॉल के बारे में देखिए, आप फिर मेट्रो के बारे में देखिए, आप हाइजीनिक के बारे में देखिए, गाज़ियाबाद काफ़ी ट्रांसफॉर्म हो चुका है। और ये मॉल होना वैशाली में, जो कि पहले बहुत ही बैकवर्ड एरिया माना जाता था, पर अब बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, तो एम्प्लॉयमेंट की और काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ की भी उम्मीद देखी जा रही है। फूड मॉल ऑफ गाज़ियाबाद के हम ऊपर वाले फ्लोर पे है, जो एक प्लेइंग एरिया के रूप में डेवलप हुआ है और यहाँ पर छोटे बच्चों के एडवेंचर के लिए बहुत सारी चीज़ है जो इसको हैंडल करती है ममता, हम उनसे बात करेंगे। ममता जी, यहाँ पर क्या क्या छोटे बच्चों को मिलेगा जब वो आएंगे, किस तरीके से डेवलप किया गया ये बताइए। हेलो सर, एक्चुअली सर ये हमारा टोटली बना हुआ है बच्चों के किड जोन के लिए, बच्चों का फन जोन के लिए। यहाँ पे हम बच्चों की हर चीज़ को ध्यान में रख के की कोशिश करते हैं कि हम बच्चों को इतना फ़न दे सकें कि बच्चे रेगुलर हमारे पास यहाँ पे आके एंजॉय करें। जिसमें हमने सर बच्चों के लिए बहुत अच्छे अच्छे कूपन्स भी रखे हैं, हमने ऑफर्स भी रखे हैं, हमने मेंबरशिप कार्ड्स भी रखे हैं सर। तो कौन से एज ग्रुप्स के बच्चे इसमें आ सकते हैं? सर इसमें हम 1.5 से स्टार्ट कर देते हैं, 1.5 से एज ग्रुप के बच्चे आ सकते हैं इसमें। और कौन से ऐसे गेम्स है या फिर क्रिएटिविटी है जो बच्चों को खूब पसंद आ रही है, जो आपने ऑब्जर्व किया? सर जैसे बहुत छोटे बच्चे होते हैं वो तो एक तो कलरफुल एरिया को देख के ही इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि हम बस यहीं पर रुक जाएं, हमारा स्टेम लगे, हम यहीं पर रहें। सर उनका इतना वो रहता है। और सर जो गर्ल्स आती हैं, हमारा ये क्रिएटिव गेम्स का है, वो उसमें ही बैठे रहते हैं बच्चे। गर्ल्स अपना मेकअप करती हैं, हेयर्स बनाते हैं, सब कुछ करते हैं सर, स्लाइडिंग करते हैं यहाँ पे, तो हर चीज़ में वो एक एक चीज़ सर यहाँ की इस हिसाब से बनाई हुई है कि बच्चा हर चीज़ से कुछ ना कुछ गेन करेगा, कुछ एडवेंचर होगा उनका, हर चीज़ से मतलब कि कुछ भी ऐसा नहीं होगा सर कि वो उसको लाइट ले रहा है, नहीं सर, कुछ ना कुछ गेन करके ही वो लेके जा रहा है।